आज हम बात करेंगे इंडिया के बेस्ट हिंदी वॉइस डबिंग आर्टिस्ट राजेश जॉली के बारे में। राजेश जॉली इंडिया के सबसे बेस्ट हिंदी वॉइस डबिंग आर्टिस्ट हैं। राजेश जॉली ने बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज में अपनी दमदार आवाज दी है और साउथ इंडियन मूवीज में भी अपनी दमदार आवाज दी है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं राजेश जॉली के बारे में। दोस्तों आपने आयरन मैन 3 मूवी तो देखी होगी। यह मूवी रिलीज हुई थी 2013 में। आयरन मैन 3 मूवी में डॉन चैडले की दमदार आवाज राजेश जॉली ने ही दी थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रही थी। दोस्तों आपने फास्ट 5 मूवी तो देखी होगी। यह मूवी रिलीज हुई थी 2011 में। फास्ट 5 मूवी में ड्वेन जॉनसन की दमदार आवाज राजेश जॉली ने ही दी थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। दोस्तों आपने आयरन मैन मूवी तो देखी होगी। यह मूवी रिलीज हुई थी 2008 में। आयरन मैन मूवी में टेरेंस हावर्ड की दमदार आवाज राजेश जॉली ने ही दी थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। दोस्तों आपने पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन मूवी तो देखी होगी। यह मूवी रिलीज हुई थी 2011 में। पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन ऑन स्ट्रेंजर टाइड्स मूवी में जेफरी रश की दमदार आवाज राजेश जॉली ने ही दी थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रही थी। दोस्तों आपने अ गुड डे टू डाई हार्ड मूवी तो देखी होगी। यह मूवी रिलीज हुई थी 2013 में। अ गुड डे टू डाई हार्ड मूवी में ब्रूस विल्स की दमदार आवाज राजेश जॉली ने ही दी थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। दोस्तों आपने कॉनन द बारबेरियन मूवी तो देखी होगी। यह मूवी रिलीज हुई थी 2011 में। कॉनन द बारबेरियन मूवी में कॉरिन की दमदार आवाज राजेश जॉली ने ही दी थी और यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर सुपर फ्लॉप रही थी। तो दोस्तों ऐसी ही हॉलीवुड न्यूज सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोस आप देख पाएं। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।